dear students in this module we are going to discuss the feminist perspective that how it treats and deals with the process of social stratification feminist theory is a sociological perspective that emphasizes the ways in which gender inequality and patriarchy contribute to the social stratification and oppression feminism ek khas nukta nigaase, इस स्टिफ़िकेशन प्रोसेस को देखता है फैमिलस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दर्जाबंदी का जो निज़ाम है इसमें ये देखा जाना चाहिए कि ये दर्जाबंदी का निज़ाम औरत और मर्द के ताल्लुक को किस तरह से मुख्तिस तरजों में तकसीम करता है इनके ख्याल में दर्ज़ाबंदी का ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ जेंडर रिलेशनशिप्स को फोकस करके बनता है और जेंडर रिलेशनशिप्स के अंदर हमेशा मर्द को प्रेफरेंस दी जाती है मर्द को जो है वो एक बर्तर पोजीशन के ऊपर देखा जाता है और इस पिदरसरी निज़ाम में जिसको के पैट्रियारकल सिस्टम कहते हैं इस पदरसरी निज़ाम के अंदर मर्द की हजमनी को बरकरार रखने के लिए स्ट्रेटिफिकेशन का निज़ाम जो है वो कायम किया जाता है सो अकॉर्डिंग टू फैमिलस थीरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एक्नॉमिक फैक्टर्स बट ऑल्सो जेंडर रेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिफ्रेंसेस तो पर्टिकुलर फोकस जो है वो फैमिनेस का वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर होता है कि बाकी फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन जो फोकस होता है स्ट्रेटिफिकेशन के प्रोसेस का वो जेंडर बेस्ड हरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सोशल पोजिशंस होती है सो दे आर दैट सोशल क्लास एंड जेंडर आर इंटरट्वाइंट विद विमेन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग डबल ऑपरेशन बेस्ड ऑन बोथ देर जेंडर एंड देर एक्नॉमिक स्टेटस तो प्राइमरी फोकस चूँकि जेंडर बेस्ड हरिकल रिलेशनशिप्स के ऊपर होता है तो उनके ख्याल में औरत का जो है वो दोहरा इस्तेसाल है इस स्ट्रेटिफाइड सिस्टम के अंदर पहले तो इस वजह से चूँकि वो औरत है और मर्द से उसको कमतर समझा जाता है इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी जो हैं वो उसकी इस इनिक्वालिटी को के ऊपर असरअंदाज होती हैं जैसे कि उसका एक्नॉमिक स्टेटस उसकी सोशल क्लास या उसकी कास्ट ये सारी चीज़ें भी जब उसके इस सोशल स्टेटस के ऊपर असरअंदाज होती हैं तो इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन और इम्पैक्ट ऑफ डबल ऑप्रेशन। सो इन पाकिस्तान इफ़ वी टॉक अबाउट द फैमिनिस्ट परसपेक्टिव ऑन स्ट्रेटिफिकेशन दे आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द वेज इन विच विमेन आर मार्चनलाइज एंड एक्सक्लूडेड फ्राम द इम्पॉर्टेंट सोशल एक्नॉमिक एंड पोलिटिकल स्फेयर पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम फैमिलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से औरत के किरदार को देखेंगे और औरत और मर्द के आपस के रिलेशनशिप को देखेंगे तो हमें इस बात के हवाले से जो है वो ऑब्ज़र्व करके ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये निज़ाम कैसे मर्द और औरत के दरमियान इनकवालिटी के ऊपर मबनी है हाँ ये इनक्वालिटी क्या वाकई ही इन जस्टिस को लीड करती है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपके लिए फूड फॉर थाट ये होना चाहिए कि फैमिलिस्ट प्रस्पेक्टिव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए बग़ैर आप इसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्ज़र्व करें कि क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई ही औरत का इस्तेसाल उसी तरह से हो रहा है जैसे कि फैमिलिस्ट प्रस्पेक्टिव क्लेम करता है